फाइनली गाइस बहुत दिनों के बाद फ्री फायर के अनबैन का एक न्यूज मिला है और पहले ही मैं आपको बता दूंगा ऐसे कोई ऐसा वैसा न्यूज नहीं है, एकदम 100% जेन्युइन न्यूज मिला है। गवर्नमेंट ने खुद गरीना के साथ कोलैब किया है, ई स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया गया है। मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाता हूं, पहले एक वीडियो देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं, सुनो उसके बाद में बात करते हैं। ई स्पोर्ट्स का आगाज हो रहा है और प्रदेश में ई स्पोर्ट्स का न केवल सेंटर बनेंगे बल्कि ई स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट कराए जाएंगे। इसके लिए आज सिंगापुर की एक कंपनी गैरीना है, उसके साथ आज प्रदेश सरकार का अनुबंध हुआ है। ये गैरीना कंपनी योटो डेटा सेंटर्स के साथ जो कि ग्रेटर नोएडा में ऑलरेडी उन्होंने अपना डेटा सेंटर बना लिया है, स्थापित कर लिया है, और देश का पहला इतना बड़ा डेटा सेंटर था जो कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिसका उद्घाटन किया था। ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के डेटा सेंटर में ई स्पोर्ट्स की सुविधाएं देंगे, ई स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाएंगे, ई स्पोर्ट्स का सेंटर बनाएंगे, जहां जिसके माध्यम से देश में प्रदेश में ई स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा केंद्र विकसित हो रहा है होगा। आप जैसे जानते हैं कि जो फिजिकल गेम्स के साथ साथ ई स्पोर्ट्स के जो खेल हैं उनका भी अभी बहुत अच्छा भविष्य आगे आ रहा है और देश में दुनिया में टूर्नामेंट इसके आयोजित होते हैं जिनमें कि जो ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं उनको खेलने का मौका मिलता है। और ये कंपनी 2023 में उत्तर प्रदेश में भी एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कराएगी और योटो डाटा सेंटर जो हीरानंद अदानी ग्रुप का ग्रेटर नोएडा में चल रहा है उनके साथ मिलकर वहाँ पर ई डाटा सेंटर की सुविधा उपलब्ध। सुना क्या बोल रहे हैं, इंडिया की एक कंपनी गरीना के साथ कोलैब करने वाली है, योटो डाटा सेंटर ऐसा कुछ है, उसके साथ गरीना का कोलैब होने वाला है, कोलैबोरेशन होने वाला है और इससे ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी जो हमारा ई स्पोर्ट अभी बैन हो रखा है फ्री फायर का, उसको बढ़ावा दिया जाएगा और बढ़ावा तभी दिया जाएगा जब अनबैन होगा ना। और ई स्पोर्ट ही मेन चीज है, ई स्पोर्ट अनबैन हुआ पूरा फ्री फायर अनबैन हो जाएगा, क्योंकि फ्री फायर तो हम अभी भी खेल रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से खेल रहे हैं, बैन वैन कुछ नहीं है। बस जो फ्री फायर का ई स्पोर्ट्स है वो बैन हो रखा है, जिस वजह से ना कोई टूर्नामेंट होता है फ्री फायर का इंडिया में, प्ले स्टोर में जो हमारा नॉर्मल फ्री फायर वो भी नहीं है, जिसे हम गेम तो खेल रहे हैं बट स्पोर्ट वगैरह फ्री फायर के बैन हो गए। तो वही मेन चीज है, जैसे इंडिया में फ्री फायर का ई स्पोर्ट्स अनबैन हो जाएगा तो सब अनबैन हो जाएगा, पूरा फ्री फायर अनबैन हो जाएगा, प्ले स्टोर में भी नॉर्मल फ्री फायर आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और ये जो वीडियो आपने देखा ये उत्तर प्रदेश यूपी ई स्पोर्ट्स का है, देखो ट्विटर का स्क्रीनशॉट, यहां पर ट्विटर में भी बात एकदम साफ साफ यहां पर बताया गया है, साफ साफ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड गरीना ये दोनों का जो है पार्टनरशिप हुआ है, कुछ कोलैबोरेशन वगैरह हुआ है, जिससे ई स्पोर्ट्स को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, ई स्पोर्ट को मतलब बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब टूर्नामेंट वगैरह बहुत सारे होंगे फ्री फायर के और भी जितने बैटल रॉयल गेम्स वगैरह हैं पबजी वगैरह सबके होंगे टूर्नामेंट जैसे पहले हुआ करते थे। भाई पता नहीं क्या होगा, भाई मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आज, मतलब इतने बहुत दिनों के बाद ऐसा खुशी मुझे महसूस हुआ, आप लोगों को भी ऐसा ही लग रहा होगा। चलो भाई देखते क्या होता है, अनबैन हो गया तो फ्री फायर मजा आ जाएगा, शायद बहुत जल्द होने वाले जो आने वाला ओपी का अपडेट है 10 तारीख के दिन आने वाले, हो सकता है उसके बाद में हो जाए, हो सकता है उस अपडेट के बाद फ्री फायर हमारा प्ले स्टोर में आ जाए, देखते हैं क्या होता है भाई। हां टू नाइट अपडेट की बात करें तो गाइस टू नाइट अपडेट कुछ है नहीं। हां एक और बात गाइस मैं आपको बता दूं, आज हमने हमारे खेत के अंदर लिखा है फ्री फायर धान के पौधों से, यहां पर आप फोटो देख सकते हो इस तरीके से हमने फ्री फायर लिखा है, इसका पूरा वीडियो कल आने वाला है मेरे व्लॉग वाले चैनल पे, मेरे जो भैया का व्लॉग वाले चैनल स्टार भाई व्लॉग्स इस चैनल पे आने वाला है, तो जाके देख लेना व्लॉग, बहुत ही मस्त लग रहा है, खेत में हमने फ्री फायर लिखा, बहुत मेहनत से लिखा है, तो जाके देख लेना कल व्लॉग वाले चैनल पे, ठीक है। और तो बाकी बस गाइस ये था आज की वीडियो में, जो कुछ भी था मैंने आपको बता दिया, गुड न्यूज आई होगा, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, ऑब्वियसली पसंद आया होगा यार, इतना अच्छा गुड न्यूज है तो लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना। बाकी मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।